पानी जल्दी चलाओ यार, लेट हो रहा है। ओ भाई दिख नहीं रहा, जाम लगा है बेटे। और फिर देखो यहाँ पर पूरा अपना गर्ली मामला, गर्ली बातचीत, गुलाम भी गाड़ी। भाई व्हाट अ पीसफुल डे इन दिल्ली, हरियाली के बीच, पौधों के बीच, क्लोज टू द नेचर। तो भाई 12th जनरेशन के बाद से इंटेल तबाही तो मचा ही रहा है अपने डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में, और इसी तबाही को आगे कंटिन्यू करने के लिए ना आज हम लोग हैं दिल्ली में, और यहाँ पर हम लोग आए हैं इंटेल के कोर अल्ट्रा लॉन्च इवेंट पर, जो कि इंटेल के नए एरो लेक सेगमेंट के प्रोसेसर्स है ना वो लॉन्च हो रहे हैं, और ऊपर सभी मशीन सेट है प्रोसेसर्स के साथ में। वहां पर जाकर वी आर गोइंग टू टेस्ट द प्रोसेसर्स, देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा निकल कर आता है। और अगर आप भी अपने लिए एक नया पीसी बिल्ड करने का सोच रहे थे ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली, क्योंकि भाई बिल्कुल नई बातचीत है। वी हैव अ फ्रेश आर्किटेक्चर, फ्रेश सेट ऑफ प्रोसेसर अंदर लगे हुए, जल्दी से अंदर चलते हैं और फिर पूरी कार्रवाई करते हैं, क्या क्या मिलता है, आ जाओ। सुंदरी रास्ता किस तरफ है? विच वे? सर आप गलत लोगों से पूछ रहे हो, क्या हाल है? जहरीले भाई, हाउ आर यू? कैमियो टेक यूनिवर्स, कैसे हो? ये क्या उर्फी जावेद के साथ कुछ शूट वोट चल रहा? थोड़ा ग्लैमर ऐड कर रही है वीडियो में आज। ये रीले पहन के खड़ी है मैडम, इंस्पायर्ड बाय उर्फी जावेद। टेबल आ रहा की फुल पावर ही दो। ये कट बहुत हो गई, और अब टाइम आ गया एक्चुअली में सिस्टम्स को देखने का और एक्सपीरियंस करने का। जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे पीछे, चेक दिस आउट। देखो ये वाला सिस्टम जो है इस पर मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ, और इस पूरे एंटायर एरिया में ना देर आर मल्टीपल ब्यूटीफुल मशीन्स विच आर बिल्ड बाय द MVP.in। तो अगर आप अपने लिए ऐसा एक एलीट पीसी बनवाना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। और आई विल गिव अ क्विक ओवरव्यू, मैं आपको बाकी मशीन्स भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर बन रखी है। बाकी उससे पहले आप इस पर नजर डालो यार, व्हाट अ ब्यूटी दिस इज, क्या लग रहा है ये सिस्टम। और जैसा कि आपको याद होगा जब मैं कॉम्प्यूटेक्स पे था, तो उस टाइम पर मैं बात कर रहा था अबाउट हाइट प्रोडक्ट्स, राइट? मैं कह रहा था इंडिया में काश ये आए, और देखो ये मिल रहे हैं MVP.in पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द हाइट Y70 टच केस, और इसके अंदर सिस्टम बनाया गया यूजिंग द इंटेल कोर अल्ट्रा 9285K। एंड रेडिएटर चेक करो, इस रेडिएटर का नाम ही थिक है, दिस इज हाई थिक 240mm PPT। भाई बाकी देखो सिस्टम चलाने का मन है तो सिस्टम चलाओ, सिस्टम चलाने का मन नहीं है तो यहां पर आपको पूरा एक टच डिस्प्ले मिल रहा है, इस पे क्लिक करो और ब्लॉक गेम खेलो। वेरी डेंजरस। देखो वॉक अराउंड तो बहुत हो गया, जल्दी से टेस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये वाला सिस्टम जो आप देख रहे हैं इस पर मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस सिस्टम में अपने को मिल रहा है इंटेल कोर अल्ट्रा 9285K प्रोसेसर, जिसके साथ में वी हैव RTX 4080 सुपर, और साथ ही साथ में 32GB DDR5 मेमोरी, जो कि क्लॉक्ड है 6000 MHz की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और देखो थोड़ा सा ना जरा आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो की पॉइंट्स है जो आपको जानने जरूरी है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अनलाइक 14th Gen जो कि 13th Gen का एक माइनर रिफ्रेश था, 15th Gen जिसको 15th Gen नहीं बल्कि कोर अल्ट्रा 200S सीरीज बोलेंगे, एक कंप्लीटली न्यू SoC आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो कि एरो लेक रहेगा एंड इट्स बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे कि हम पहले देखते थे कोर i5, i7, i9, उसको हटा के नाउ इट वुड बी कॉल्ड कोर अल्ट्रा 5, कोर अल्ट्रा 7 एंड कोर अल्ट्रा 9, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो अपना स्प्लिट है, अगर हम फ्लैगशिप की बात करें जो कि कोर अल्ट्रा 9 285K है, और इसमें आपको ना हाइपर सेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि 24 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, एफिशिएंट कोर्स को पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर बना दिया गया है, जो पिछली जनरेशन थी यानी कि जो 14th Gen थी, तो कंपेयर टू दैट जो अपने करंट एफिशिएंट कोर्स हैं इस जनरेशन में स्काई माउंट बेस्ड कोर्स रहने वाले हैं, एंड अप टू 32% का परफॉर्मेंस लिफ्ट आपको इनमें देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात कर ले परफॉर्मेंस कोर्स की यानी कि पी कोर्स की, तो आपको लायन कोव कोर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें अप टू 9% परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट आपको ओवरऑल देखने को मिलने वाला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। बट दैट्स नॉट ऑल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर जो कि प्रोसेसर की एफिशिएंसी को जज करता है ना, दैट इज परफॉर्मेंस पर वॉट। तो एरो लेक में ना इस फैक्टर पर बहुत स्ट्रॉन्गली वर्क किया है इंटेल ने, एंड जो एरो लेक प्रोसेसर है ना, ये रैप्टर लेक प्रोसेसर जैसे सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के केपेबल है विद हाफ द सस्टेन्ड पावर। जी आपने बिल्कुल सही सुना, तो
बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस जनरेशन में जो एनर्जी एफिशिएंसी है ना वो डबल हो गई है। अब देखो गेमिंग के टाइम पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपना फ्लैगशिप कोर अल्ट्रा 925K जो है वो साइबरपंक 2077 में सब कुछ अल्ट्रा पर सेट करके विद रे ट्रेसिंग सेट टू मैक्सिमम अच्छे खासे FPS ड्रॉ कर दे रहा है। एंड पावर कंजप्शन की बात करेंगे तो सिर्फ 125 वाट 125 वाट्स के आसपास का पावर ड्रॉ जो है वो अपना CPU ले रहा है। वहीं वुकोंग जब मैंने ट्राई की तो वुकोंग में आप नोटिस करेंगे कि कैसे एवरेज पावर ड्रॉ जो है दैट इज अराउंड 75 वाट्स। तो भाई फ्लैगशिप CPU के हिसाब से ना ये जो पावर कंजप्शन है दैट इज लाइक वेरी मच लो। अच्छा लोअर पावर ड्रॉ होने का एक सीधा साधा मतलब ये भी होता है कि आपके जो टेम्परेचर्स है वो भी लोअर रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सिनेबेंच रन कर रहा था एंड अल्ट्रा 925K मैक्सिमम लोड पर था तो जो प्रोसेसर था दैट वाज ड्रॉइंग अराउंड 230 वाट्स ऑफ पावर। तो जो मैक्सिमम पावर ड्रॉ है वो इसी के आसपास रहता है। एंड एक मिड लेवल MSI E360 AIO लिक्विड कूलर मैंने यहाँ पर यूज किया एंड मैक्सिमम 78 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने हिट किया और एक एवरेज टेम्परेचर की बात कर ले तो अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर था प्रोसेसर का दैट वाज स्टेबल। भाई आंखें बूढ़ी हो गई होंगी तुम्हारे ऐसे अटेम्प्ट्स लास्ट जनरेशन i7s और i9s में एक्सपेक्ट करते हुए। तो भाई अच्छे खासे कूलर जो थे ना वो छोटे पड़ जाया करते थे लास्ट जनरेशन में थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए, बट यहाँ अल्ट्रा 925K जो कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है ना यहाँ पर आप चाहें तो आप इसको एक अच्छे बजट एयर कूलर के साथ में जैसे कि अपना डीप कूल AK620 हो गया उसके साथ में भी एक टाइम को आप रन कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंटेल के लिए। एंड इस चेंज की वजह से ओवरऑल प्लेटफॉर्म की जो कॉस्टिंग है ना वो काफी कम होने वाली है। ऐसे को होगा ये कि अब आपको ऑल द वे अप जाकर ना वो 15-16 हज़ार रुपए के प्रीमियम सेगमेंट के IO लिक्विड कूलर्स हर बार नहीं बाय करने पड़ेंगे, आप थोड़ा नीचे रहकर भी अपना अच्छा खासा सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं एंड कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। प्लस जो आर्किटेक्चर ना दिस इज वेरी फ्यूचर स्केलेबल, एक सिंगल डाई के ऊपर आपको नए लेटेस्ट जनरेशन के थर्ड जेन के इंटेल के XE ग्राफिक्स मिल रहे हैं खुद के जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा आपको मल्टीपल टाइल्स मिल रही है तो हर एक टाइल का अलग अलग रोल है। तो फ्यूचर में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इंटेल इसी को ट्वीक करके ना और ज्यादा बेटर चीजें आपके लिए लेकर आ सकता है। एंड क्योंकि ये प्रोसेसर पावर एफिशिएंट है तो देखो जब हम लोग पावर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि पावर ड्रॉ प्रोसेसर का कितना है। जो प्रोसेसर है दैट्स कंज्यूमिंग ऑलमोस्ट 210 वाट्स ऑफ पावर के आसपास। तो टेम्परेचर्स की बात करें हम लोग एक एयर कंडीशन एनवायरमेंट में जहां पर टेम्परेचर वुड बी ऑलमोस्ट क्लोज टू 27 डिग्री सेल्सियस और उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर्स हैं दे वर वे बिलो 75 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको टेम्परेचर ज्यादा लग रहे हैं तो तुम्हारे को पिछले जनरेशन को जाकर उनके टेम्परेचर्स को एक बार स्टडी करना चाहिए। कोर i9 14900K जो कि इजीली 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रन करता था ना अच्छे से अच्छे कूलर पर भी 100% लोड पर, दिस इज कमिंग बिलो 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये नंबर भाई इनसेन है। क्विकली आ जाओ क्विक सेट ऑफ सिंथेटिक बेंचमार्क्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो देखते जाओ। तो स्टार्ट किया है मैंने विद सिनेबेंच R24 जहां 144 पॉइंट्स का सिंगल कोर स्कोर अपने को देखने को मिलता है एंड 2461 पॉइंट्स का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज सिनेबेंच R23 जहां अपने को 2390 पॉइंट्स का सिंगल कोर स्कोर और 42547 पॉइंट्स का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिलता है। रेफरेंस के लिए आप इन स्कोर्स को ना ऑनलाइन लास्ट जनरेशन के CPUs के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं और आप खुद भी परफॉर्मेंस डिफरेंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने रन किया गीकबेंच 6 जिसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर ये रहे, फॉलोड बाय गीकबेंच 5 जिसके रिजल्ट्स अगेन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद में CPU बेंचमार्क को भी मैंने कैप्चर किया सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। एंड नेक्स्ट क्रॉसमार्क जो कि एक अच्छा एवरीडे परफॉर्मेंस बेंचमार्क है इसके रिजल्ट्स को भी आप स्क्रीन को पॉज कर देख सकते हैं। एंड लोड जो है वो NPU के ऊपर ही चल रहा है एंड प्लस इसी के साथ साथ गीकबेंच AI बेंचमार्क के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो इतने मेरे दोस्तों कुछ क्विक बेंचमार्क्स एंड क्विक टेस्टिंग ऑफ द इंटेल कोर अल्ट्रा 9285K प्रोसेसर। अभी डिटेल में टेस्टिंग करेंगे जब मैं इसके साथ में बिल्ड करूंगा आपके लिए वीडियो में, उस वीडियो में हम लोग डिटेल में टेस्टिंग करेंगे एंड बहुत सारे गेमिंग टाइटल्स को भी इंक्लूड करेंगे और फिर डिटेल में जानेंगे रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं। फिलहाल ये वीडियो को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाए बेल आइकन को ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो मिलते हैं दोस्तों की वीडियो में, टिल देन चीयर्स।